This conference will now be recorded. To configure storage application, Azure storage replication. So what do you think about the replication? Means actual mein meaning kya hoti hai replication ki? मतलब डाटा का डुप्लीकेट या उसको मतलब कॉपी बनाना उसकी. करेक्ट. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? To make sure that if something goes wrong with our data, we have a copy. Correct. We are able to revert it from the. Yeah. रेप्लिकेशन की बात करें तो विच इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट. एक तो पूरे के पूरे स्टोरेज का रेप्लिकेशन तैयार किया जा सकता है, स्टोरेज अकाउंट रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है. एंड सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन. बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. स्टोरेज अकाउंट रेप्लिकेशन इन द सेंस कि जो भी कॉन्टेंट है उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर उन सबका एक कॉपी बनाना चाहते हैं. यू वॉन्ट पुट इट इन टू डिफरेंट लोकेशन. ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन के केस में इंडिविजुअल डेटा या इंडिविजुअल कंटेनर का जो आप रेप्लिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन कहलाता है. इज इट फाइन? यस सर. सो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू, एक तो अपने पास रहेगा सोर्स और दूसरा अपने पास रहेगा डेस्टिनेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टोरेज अकाउंट तैयार किया किसी भी लोकेशन में. फॉर एग्जाम्पल यू एस्टैब्लिश इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस. यू वांट टू क्रिएट अ सेम कॉपी, यू वांट टू पुट सेम कॉपी इन डिफरेंट डेटा सेंटर लाइक एज अ ईस्ट यूएस. तो ये जो ईस्ट यूएस है ये हमारा एज ए डेस्टिनेशन काम करेगा और ये हमारा सोर्स जो है एज ए सेंट्रल यूएस जो है वो हमारा सोर्स काम करेगा. And this is our Azure portal, जहां से हम अपने पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं. Currently we are accessing our storage with the help of Central EOS. Any problem occurred with Central EOS, यहां पे कोई problem आ गई, data center down हो गया या और कोई issue आ गया, तो we have option to revert our data from destination, यानी East US location से हम इसको access कर सकते हैं. Is it fine? Yes, sir. चलो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर स्टोरेज रेप्लिकेशन देखेंगे. ओपन एज़्योर पोर्टल एंड क्रिएट टू डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट. तो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन के लिए हम दो अलग अलग स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और देन विल मेक अ रेप्लिका बिटवीन ईच अदर. इन दोनों के बीच में हम रेप्लिकेशन एस्टैब्लिश करने का काम करेंगे. तो ये दोनों स्टोरेज अकाउंट जो बनाओगे सर आप, वो क्या सेम रिसोर्स ग्रुप और सेम लोकेशन में बनाओगे? It's not mandatory. It's not mandatory, no? It can be different resource group. It can be different locations as well. Exactly. तभी तो replication का काम आएगा ना. Means, for example, एक central US में बना दिया, दूसरा किसी और location में बना दिया, तो उस case में replication हम तैयार कर सकते हैं. Although we have already created two different storage, but unfortunately एक ही location में हैं दोनों ना, central US में. So I'm going to create another storage account जिसको हम दूसरी location में तैयार कर लेते हैं. बट ये है दोनों एक ही रिसोर्स ग्रुप में अभी. हाँ कोई दिक्कत नहीं, रिसोर्स ग्रुप कोई दिक्कत नहीं. इस क्लास स्टोरेज 1988 ईस्ट यूएस में रख दें इसको, बाकी सेंट्रल यूएस में इसको ईस्ट यूएस में रख लेते हैं. राइट राइट. शुड बी यूज जीआरएस. हमने डिस्कस किया था कि स्टोरेज अकाउंट के केस में जियोग्राफिकल रेडियंट होना चाहिए. नेक्स्ट. One is source, another is destination. तो आप किसी इसमें से किसी को भी source या किसी को भी destination select कर सकते हैं. Validation field क्यों बता रहा है? Name change.
शुड बी यूज यूनिक नेम, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम करता है तो डेटा सेंटर पे स्टोरेज अकाउंट यू मस्ट नीड टू यूज द डिफरेंट मीन्स ऐसा नेम कि नेम्स। जो और कोई यूज ना कर किया हो पहले. सो इन दिस केस विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट और उनके अंदर जो भी डेटा हम अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक दूसरे लोकेशन में होना चाहिए. नाउ बोथ स्टोरेज अकाउंट रेडी टू यूज, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंटेनर इन स्टोरेज लोकेशन और उसमें जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे वो डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहिए. Like in our case, training store is 1988, which is available in Central US. Class store is 1988-5, which is available in East US location. तो इसमें से किसी को भी हम सोर्स या किसी को भी हम डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, करेक्ट? किसी को भी हम सोर्स या किसी को भी डेस्टिनेशन एज ए डेस्टिनेशन बोल सकते हैं. तो लेट मी यूज आवर ट्रेनिंग स्टोर इज 1988 एज ए सोर्स और जो क्लास स्टोरेज हमने बनाया है उसको एज ए डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं. सो वी हैव अ टू डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट्स. आई एम गोइंग टू मेक अ वन टू यूज एज ए सोर्स. इसमें हम सोर्स के केस में ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, ठीक है, और डेस्टिनेशन के केस सोर्स में हम कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डालेंगे जो डेस्टिनेशन में भी शो अप होगा. हाँ जी, क्लास स्टोरेज 1988-5 एंड वी नीड टू क्रिएट अ वन ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, कंटेनर. यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे एंड यहाँ पे भी आपको एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा. बोथ कंटेनर आर ब्लैंक. अभी क्या है, जब स्टार्टिंग में हम इसको तैयार करेंगे ना, ये एक तरीके से ब्लैंक कंटेनर जिसमें कोई डेटा अपलोड नहीं किया हमने. देन व्हाट यू नीड टू डू सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप हमारा ये हो गया, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉन्फिगर रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्रिएट होने के बाद हम इसमें डेटा अपलोड करेंगे, क्लियर, और देन अपलोड द डेटा. और अब जब आप डेटा अपलोड करेंगे तो योर डेटा विल बी ऑटोमेटिक रेप्लिकेट टू द सेकेंड लोकेशन. यहाँ पे जो भी फाइल फोल्डर आप अपलोड करेंगे ना, वो इमीडिएट यहाँ पे हाईलाइट होना स्टार्ट कर देंगे. इज इट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट? बहुत ही छोटा सा yes, कॉन्सेप्ट yes. है ना? तो चलिए फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव अ कंप्लीट प्रीरिक्विजिट. हमारे पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, तो वी जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप कि किस तरीके से हम इसको अचीव करते हैं, राइट? Back to the portal and we decided ki training story 1988 ko banana hai source, right? So let me check ki apne paas container hai ya nahi hai. Agar hai to hum isko delete kar dete hain kyunki I'm just going to create a new container aur uske us pe hum replica taiyar karenge. Now click container and container name is source. हमने कंटेनर नेम सोर्स रख लिया है, माल लेटर, मेक इट पब्लिक एज पर योर रिक्वायरमेंट. अभी हमने इसमें कोई डेटा अपलोड नहीं करना है. बैक टू द पोर्टल और यहाँ पे हम क्लास को भी ओपन करा लेते हैं नए विजार्ड में एंड ट्राई टू Go to the container. जाहिर सी बात है अभी ये blank है ना? अभी इसमें हमने कोई data upload नहीं कर रखा है, तो let me check.
ये अपने पास डेस्टिनेशन, दिस इज अवर डेस्टिनेशन. चलो बोथ कंटेनर्स आर ब्लैंक. अभी दोनों कंटेनर हमारा क्या है वो पूरी तरीके से क्या है, ब्लैंक है. इज इट फाइन? यस सर. ओके तो अब अगला जो स्टेप है बैक टू द डेस्क, सोर्स साइट. और सोर्स साइट पे मैंडेटरी, अगर हम बात करें इसके प्रीरिक्विजिट्स की, मींस इफ यू प्लान टू एस्टैब्लिश अ रेप्लिकेशन, यू वांट टू क्रिएट अ रेप्लिकेशन ऑफ योर स्टोरेज, तो एक कॉमन सर्विस हमने डिस्कस की थी कि योर स्टोरेज अकाउंट शुड बी अ पार्ट ऑफ जीआरएस. Is it correct? ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था. Because LRS के केस में, if you plan to establish your LRS, तो उस केस में आप replication service नहीं पाएंगे. I'm going to show you the object replication पहले, और यहाँ पे आप आएंगे properties पे, source या destination कहीं पे आप properties पे चले जाएंगे. And अब देखिए यहाँ पे एक option दिखाई पड़ रहा है, object replication, correct? That's all. क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, क्रिएट एप्लीकेशन रूल. ठीक है, ये आपने पहले से तैयार कर रखा है तो अपलोड कर दीजिए. और वी वांट टू क्रिएट इट विद हेल्प ऑफ जीयूआई करते हैं. यहाँ पे एमएसडीएनएस और सब्सक्रिप्शन, तो आप देखिए डेस्टिनेशन सोर्स की प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको डेस्टिनेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सेलेक्ट योर स्टोरेज अकाउंट, विच वन, क्लास वन, विच इज अवेलेबल इन विच लोकेशन. ये दिस वाज द दैट वुड बी ईस्ट यूएस. एग्जैक्टली. एंड व्हाट अबाउट सोर्स? सोर्स इज सेंट्रल यूएस. सेंट्रल यूएस, तो दो डिफरेंट लोकेशन हो गए. नाउ दिस इज सोर्स कंटेनर एंड दिस इज डेस्टिनेशन कंटेनर. तो आप यहां पे कंटेनर डिसाइड कर लीजिए, सोर्स पे क्लिक किया और यहां पे डेस्टिनेशन के नाम से हमने बना रखा था. ठीक है, सो वी हैव अ फिल्टर ऑप्शन. वन हैव फिल्टर एंड अनदर इज कॉपी ओवर. Whenever we click on the copy over ना, तो ये हमें दो या तीन ऑप्शन प्रोवाइड करता है. One is everything, new object and custom. तो everything in the sense, जो पहले से आपने डेटा अपलोड कर रखा था या कर रखा है, तो उस केस में हमने क्या करना है, अगर आप everything कर देंगे तो जो भी पुराना नया डेटा है वो सब कुछ replicate कर जाएगा. Only new object आपने डिसाइड किया नहीं, जो पुराने थे उनको शेयर नहीं करना है, जो नया चेंजेस होगा उन्हीं को ट्रांसफर करेंगे, तो ओनली न्यू ऑब्जेक्ट कर देंगे. कस्टम क्या कहता है ना, कस्टम में आपको एक प्रॉपर डेट मिल जाती है कि कब से कब तक का टाइम है ना. अब देखिए यहाँ पे डेट और टाइमिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो डेट इन द सेंस, डेट की अगर हम बात करें तो डेट के केस में क्या मिलेगा आपको कि हमें लास्ट 20th से 20 तारीख से इतने बज के इतने मिनट से जितना भी चेंजेस होगा वो हमें चाहिए, करेक्ट? राइट सर. चलो ठीक है, तो अभी हम न्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वहां पे सेव किया हमने, बिकॉज वी डोंट हैव अ डेटा. और सिंपल सा इसको क्रिएट कर देंगे. एक तरीके का रोल्स हमने तैयार किया और सो इट विल टेक फ्यू मिनट टू कंप्लीट इट. वैसे यहाँ पे रेडी हो गया, बट वी जस्ट नीड टू वेट अप टू 30 टू 40 सेकेंड्स, ताकि वो सारी चीजें रेप्लिक. वैसे कोई डेटा है नहीं तो इतना टाइम लगेगा नहीं, राइट? राइट सर. तो ये जो रेप्लिकेशन हो जाता है तो हम फिर उस स्टोरेज अकाउंट का भी पे तो करेंगे ही, क्योंकि उसके अंदर भी डाटा स्टोर है, तो उसका भी चार्जेस लगेगा ही ना. दूसरे वाले लोकेशन का? हाँ, जैसे ईस्ट यूएस में हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स डाले और फिर उसका रेप्लिकेशन हमने सेंट्रल यूएस में बना दिया, तो सेंट्रल यूएस के अंदर भी हमारा डाटा स्टोर है, ईस्ट यूएस के अंदर भी हमारा डाटा स्टोर है, तो फीस तो पैसे तो दोनों जगह के लगेंगे. एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग द डेटा ना, तो डेटा प्रोटेक्शन के केस में यहाँ पे चार्जेस हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोरेज तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, उतना स्पेस जो आपने अपलोड किया है वो इतना स्पेस जा रहा है. हाँ, बट थोड़ा सा जो चार्जेस रहता है उसका कम रहता है, नॉट अ इक्वल टू
नॉट इक्वल देन द बेस लोकेशन, क्योंकि एज्योर या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर रहता है ना, वो क्या करता है, विच इज कंप्रेस द डेटा साइज. मतलब अगर आपने 5 GB सोर्स साइट पे अपलोड किया है ना, तो वो कंप्रेस करके, जितना कंप्रेस करना हो पाएगा वो कंप्रेस करके दूसरी लोकेशन में उसकी रेप्लिका बनाएगा, तो थोड़ा सा चार्जेस बच सकता है. क्लियर? तो चलिए एक बार सोर्स पे देख लेते हैं. सोर्स पे क्या है, डेस्टिनेशन पे यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है. लेट मी चेक विद सोर्स. सोर्स पे आके कंटेनर देख लिया है एंड वी आर अनेबल टू फाइंड एनी डेटा, क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया. जस्ट नीड टू क्लिक अपलोड और ऑन प्रमाइसेस से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेते. अपलोड होनी डेटा, यहाँ पे दो फाइल हमने अपलोड कर दी. चलिए सोर्स साइट पे हमने अब देखिए यहां पे दो डेटा है, तो डेफिनेटली ये हमारी जो डेटा है ना, बिना कुछ चेंजेस किए इस डेस्टिनेशन के ब्लैंक पेज पे, जो हमारा डेस्टिनेशन है कंटेनर, इसमें हमें दिखने चाहिए. तो थोड़ा सा वेट करेंगे. और अगर डेस्टिनेशन पे अपलोड करते तो सोर्स पे भी दिखता। हाँ, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा ना. नहीं, मतलब वाइस वर्सा हो गया ना, मतलब तो ये नहीं 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 मतलब नहीं 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 इट कैन नॉट वर्क एज अ वाइस वर्सा. If I upload something on destination, would it get copied over on source? No, see, destination come into the picture when any problem occurred with your base source. environment. मैं इसका algorithm समझाता हूँ कि actual में ऐसा क्यों किया जाता है, right? ये दोनों के लिए better है, means for as a customer अगर आप इसको देखते हैं ना, as a customer आप देखते हैं, as a client देखते हैं, तभी हमारे लिए भी better है और Azure के लिए भी better है. लाइव एप्लीकेशन जो होता है, जो लाइव एप्लीकेशन इन द सेंस की जहां पे आप अपने क्लस्टर बना रखा है कि यू आर यूजिंग बोथ लोकेशन एट ए टाइम. आप कभी सेंट्रल यूएस से डेटा उठा रहे हैं, कभी ईस्ट यूएस से डेटा उठा रहे हैं, तो इट्स अ लाइव एप्लीकेशन एक्टिविटी. मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द बोथ लोकेशन एट ए टाइम. ये जो एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं विच इज बैकएंड लाइव एक्टिविटी, लेकिन जो डेस्टिनेशन का लोकेशन है ना, वो पिक्चर में तभी आएगा जब सोर्स में कोई प्रॉब्लम आएगी. नहीं, वो अगर चीज तो मैं समझ गया सर, पर मैं सब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपने फाइल सोर्स पे अपलोड करी वो डेस्टिनेशन पे भी शो अप होंगी, बट अगर ठीक हम है, फाइल्स डेस्टिनेशन पे अपलोड करते हैं तो क्या वो सोर्स पे शो अप करती? नहीं, वो आपकी फाइल सोर्स पे नहीं जाएगी. नहीं जाएगी, वो उल्टा उल्टा रेप्लिकेशन नहीं होगा, वो सिर्फ नहीं, सोर्स से डेस्टिनेशन पे होगा, है ना? राइट. अब देखिए यहाँ पे वो क्लास डेस्टिनेशन सोर्स पे आ गया. ये सब अवेलेबल है ना. गॉट इट. आप डेस्टिनेशन पे कुछ अपलोड करो, वो सोर्स पे ऑटोमेटिकली नहीं हाँ, लेट जाएगा. मी चेक, क्योंकि पहले तो नहीं था. अगर कोई चेंजेस किया हो उन्होंने तो. अभी हम डेस्टिनेशन से एक अपलोड कर रहे हैं, ADCR NPM. ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स ओके, नहीं कर सकते. इवन एरर भी आ अपलोड गया कि ऑब्जेक्ट इवन अपलोड भी नहीं वी कर आर सकते, अनेबल टू अपलोड इट ना. क्योंकि ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन लग गया इस पूरे ऑब्जेक्ट पे, हाँ पूरे जी, कंटेनर पे, पूरे डेस्टिनेशन पे. ओके Is it clear about the object replication? यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन, यस सर, कोई डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट सर. कूल.
सो दिस इज अ इंडिविजुअल एक्टिविटी ना, अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन की लोकेशन डिसाइड कर रहे हो, प्रॉपर सोर्स की लोकेशन डिसाइड कर रहे हो, और आपने एक ही कंटेनर का रेप्लिका बनाया। इफ यू हैव अ मल्टीपल कंटेनर तो यू आर एनेबल टू प्रोटेक्ट द डेटा, ठीक है। सो अच्छा सेकेंड, वी हैव अनदर वे टू क्रिएट अ रेप्लिका फॉर एंटायर स्टोरेज, ठीक है, एंटायर जो स्टोरेज अपने अकाउंट या है ना, पूरे स्टोरेज का हम क्रॉस रीजन एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जो हमें क्लियर करके चलनी है कि आपके सिस्टम पे, उस स्टोरेज अकाउंट पे कोई भी अदर एप्लीकेशन सर्विस नहीं रन करती, नॉट इफ इवन इट ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन। इवन कोई सा भी एप्लीकेशन हो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इफ यू वांट टू कॉन्फिगर द एप्लीकेशन स्टोरेज प्रॉपर्ली। अकाउंट रेप्लिकेशन सो हियर वी आर एबल टू फाइंड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे जियो एप्लीकेशन दिखाई पड़ रहा है, राइट। सो जियो एप्लीकेशन कैन हेल्प यू टू डिसाइड एंड क्रिएट अ फेल ओवर ऑफ योर एंटायर स्टोरेज अकाउंट, नॉट अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड नॉट अ इंडिविजुअल फाइल। तो वी आर एबल टू फाइंड, हाँ, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट ये रहेगा, वी हैव ऑलरेडी कॉन्फिगर, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी इट। अब आप देखिए यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दिखाई पड़ रहा है, दिस वन इज द प्राइमरी एंड दिस इज अवर सेकेंडरी। जो सेकेंडरी लोकेशन है, जो डेस्टिनेशन लोकेशन है, विच इज मैनेज बाय द प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर डिसाइड करेगा। वी आर अनेबल टू सेलेक्ट बाय ऑन, हम अपनी तरफ से इसका सिलेक्शन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो यस सर। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी रेप्लिका आप तैयार करना चाहते हैं पूरे स्टोरेज का, तो एज्योर डिसाइड करेगा बैकएंड में कि उसको डेस्टिनेशन पे कौन सा डेस्टिनेशन पे कहाँ बुलाना है? कौन सा लोकेशन मिलेगा, वो चीज विच इज मैनेज बाय द प्रोवाइडर। फाइन, फाइन सर, फाइन। चलिए ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फिगर इट, बट बिफोर दैट यू नीड टू रिमूव द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट तो एप्लीकेशन हमारे पास एप्लीकेशन है ना, ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन हमने तैयार किया था, यू मस्ट नीड टू रिमूव द रोल, जो भी आपने रोल तैयार किया था उस रोल को आप डिलीट कर डिलीट दीजिए। करना पड़ेगा। चलिए, वी सक्सेसफुली रिमूव द रोल, जो भी हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया था। नीड टू रिफ्रेश द एंटायर पेज। फाइन, बैक टू द स्टोरेज प्रॉपर्टीज, और स्टोरेज प्रॉपर्टीज के केस में क्या करना है हमें, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट जीआर एप्लीकेशन। ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, बहुत ही बेसिक सा फंडा है यहाँ पे, प्रिपेयर फॉर फेल ओवर, और यस आई वांट टू कंफर्म दिस इज योर करंट लोकेशन सेंट्रल यूएस एंड दिस वन इज अवर डेस्टिनेशन। एक सोर्स है, दूसरा हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है। क्लियर? जस्ट नीड टू टाइप यस एंड क्लिक फेल ओवर। पहले ये फेल ओवर तैयार करेगा, उसके बाद मींस वी विल चेक कि किस तरीके से ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है, देन वी विल अपलोड द डेटा। इट्स इन प्रोग्रेस, इट विल टेक टाइम अप टू 5 to 7 मिनट।
Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. चलो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा. मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट द अनदर कंटेंट, क्योंकि स्टोरेज हमें खत्म करना है ताकि हम कल से वर्चुअल मशीन पे मूव कर सकें. तो यस सर. यहाँ पे स्टोरेज के पार्ट पे वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन एंड स्टोरेज एप्लीकेशन. इट इज इन प्रोग्रेस. ठीक है, एक्सप्लोरर हमने पहले से डिस्कस कर लिया था. नाउ टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजी कॉम के इजी बारे में, कॉपी. है ना. यस सर. तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो बेसिकली बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जॉब का, बिकॉज वी आर अनेबल टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली, बट वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. सी फॉर एग्जाम्पल, यू एस्टैब्लिश योर ऑर्गेनाइजेशन, यू एस्टैब्लिश योर ऑर्गेनाइजेशन डेली लोकेशन. तो यू अपलोड इट ऑन, यू क्रिएटेड योर ऑन सैन स्टोरेज, अपने लोकल इन्वायरमेंट में सैन स्टोरेज बना रखा है, और उस सैन स्टोरेज में यू अपलोडेड अप टू 200 TB ऑफ डेटा. ठीक है, अपने अपने उस ऑन प्रमाइसेस ऑफिस में 200 TB के आसपास डेटा आपने अपलोड कर रखा है. ठीक है, सो यस इट्स सर. रियली, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव योर डेटा फ्रॉम ऑन प्रमाइसेस टू क्लाउड. जो भी आपने डेटा है ऑन प्रमाइसेस पे वो आप माइग्रेट करना चाहते हैं एज्योर के पोर्टल से. तो यू नो दैट इट्स रियली डिफिकल्ट टू माइग्रेट 200 TB ऑफ डेटा ओवर अ क्लाउड. ठीक है, एक तो पहला ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा, राइट, इट विल टेक मच टाइम. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिलेटेड टू द, कि जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ये कि जब आप 200 TB का डेटा अपलोड करेंगे ना, सो इट विल टेक मच टाइम एंड कंज्यूम इंटायर बैंडविड्थ ऑफ योर ऑफिस. डेफिनेटली. ठीक है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 महीने 3 महीने तक का वेट करें और उसके बाद फिर नीड टू अपलोड द डेटा बाय यूजिंग अवर ऑन बैंडविड्थ. यस सर. I'm going to show you. तो इस केस में क्या होगा, जब आप 200 या TB या 500 TB के आसपास का डेटा अगर अपलोड करना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू कंज्यूम योर बैंडविड्थ, अगर आप अपने बैंडविड्थ का यूसेज नहीं करना चाहते, मीन्स यू डोंट वांट टू कंज्यूम द बैंडविड्थ ऑफ योर ऑन प्रमाइसेस ऑफिस, तो उस केस में क्या होगा, यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद एज्योर टीम. आई एम गोइंग टू शो यू. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की हेल्प लेंगे एज्योर पोर्टल से ही, जो आपका एज्योर पोर्टल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं. Need to select all services, storage, select export and import to drop. And need to create. Select the location and type the name, testing. What you want to do? Import the job or export the job? Select the location and destination. Next, and write the student contact name. सर, एक्सपोर्ट फ्रॉम, वहाँ पे आपने एक्सपोर्ट फ्रॉम एजर लिखा, तो इसका एक्सपोर्ट मतलब ये फ्रॉम कि एजर, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट एजर, एक्सपोर्ट फ्रॉम एजर, दोनों ऑप्शन इंपोर्ट है. टू कि अगर एजर, तो एजर से हमें ऑन प्रमाइसेस के लिए जाना है तो एक्सपोर्ट और करेंगे. ऑन प्रेम से बोला.
ठीक है। नहीं, गॉट इट सर। ये रख लेना बस, एक ये इसकी स्टोरेज में रखना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये वो कोरियर की डिटेल देनी पड़ेगी आपको। तो एक्चुअली क्या होगा ना, कोरियर की डिटेल से क्या होगा कि जो एजेंट की टीम है ना, इस कोरियर से कोऑर्डिनेट करेगी, और वो बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, वो बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे और फिजिकली आपका डेटा जो है वो कैरी करके ले ले जाएंगे जाएंगे। स्टोरेज में, फिर अपलोड कर देंगे वो। तो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं यू हैव टू पे द चार्जेस फॉर द कोरियर पर्पज, एंड उसके बाद जो डेटा आएगा, डेटा में इन द सेंस जो भी कैपेसिटी का डेटा है ना, उस कैपेसिटी के डेटा के अकॉर्डिंग आपको रेंट देना पड़ेगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। बस खाली इज इट पर फाइन? बैंडविड्थ का पैसा नहीं है इसमें, ये एक चीज हाँ, है। बैंडविड्थ का पैसा बचा करके आपको कोरियर में लगाना पड़ेगा। और डिस्क में भी तो लगेगा, जो जिस डिस्क पर डाटा अपलोड होगा वो नहीं, वो तो रेंट देना ही, तो रखता रेंट तो देना पड़ेगा ही भाई। रखता है। राइट राइट राइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ये हो गया इंपोर्ट का, और एक्सपोर्ट में हम उन्हें डिस्क दे देंगे, वो डिस्क पे अपलोड कर देंगे डाटा, वो भेज देंगे। करेक्ट। ऐसा ही होगा क्या, अगर डाउनलोड करके वो कर देंगे, है ना? ओके गॉट इट सर। चलो लेट मी चेक अवर फेलोवर, हमने लगा रखा था। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इट क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ योर स्टोरेज इन ईस्ट यूएसए। हाँ, अच्छा तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर हम कोई सा भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, और यू विल बी गेट द सेम डेटा इन बोथ लोकेशन। सोर्स पे तो रहेंगे ही रहेगा, और साथ ही साथ में हम डेस्टिनेशन लोकेशन भी हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर सर। नाउ टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन, अनदर कंटेंट रिलेटेड टू द H104। अबाउट द एक्सप्लोरर हमने बात कर रखी थी, राइट? हमने डिस्कस किया था कि एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को किस तरीके से यूज किया जाता था, राइट? हाउ वी कैन यूज द राइट एक्सप्लोरर। अनदर इम्पोर्टेंट सर। पार्ट इज रिलेटेड टू द इजी कॉपी, कॉपी डाटा बाय यूजिंग इजी कॉपी। एग्जैक्ट। तो एजी कॉपी क्या होता है ना, एजी कॉपी बेसिकली जैसे हम अभी मैनुअल डेटा अपलोड किए थे ना, तो एजी कॉपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंस्टॉल अ टूल, वी नीड टू इंस्टॉल अ टूल ऑन ऑन प्रमाइसेस विंडोज पे, और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सीएमडी के जरिए हम डेटा को अपलोड करने का काम करेंगे। लेट मी कनेक्ट माय विंडोज फिर, और फिर इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर द एजी कॉपी। दिस इज आवर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमें इसमें कॉन्फिगर करना है एजी कॉपी। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें, मी शो यू द स्टेप हाउ वी कैन अचीव इट। सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द स्टोरेज, तो हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट आई नीड टू लॉग इन माई एज़्योर पोर्टल विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो लेट मी ओपन इट ऑन विंडोज मशीन, portal.azure.com।
चलिए ये आपने लॉग इन कर लिया अपने स्टोरेज अकाउंट को, सॉरी एजर पोर्टल को विंडोज मशीन पे। लेट मी ओपन द स्टोरेज अकाउंट दैट वी क्रिएटेड। और कोई सा भी स्टोरेज अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टोरेज ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, और इस ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 के अंदर एक कंटेनर हमने पहले से बना रखा है, सोर्स नाम का कंटेनर हमने पहले से बना रखा है। ओपन द कंटेनर नेम, आई एम गोइंग टू डिलीट द एग्जिस्टिंग डेटा ताकि हम नया डेटा अपलोड कर सकें। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है अभी? नो क्वेश्चन सर। एजी कॉपी के लिए आप नोट पैड ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हमें यहाँ पे अपने एजर पोर्टल से ना कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी कंटेनर के अंदर, जो भी कंटेनर के अंदर आप डेटा रखना चाहते हैं ना, उस कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टीज में जा करके उसका यूआरएल कॉपी करना है। तो इन केस आवर कंटेनर, यहाँ पे हमने सोर्स को डिसाइड किया है, दिस इज आवर कंटेनर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, क्लिक करिए प्रॉपर्टीज पे, और ये यूआरएल जो है ना, ये यूआरएल आप कॉपी कर लीजिए एंड पेस्ट ऑन योर ऑन प्रमाइसेस। फाइन, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। वेरी बेसिक स्टेप दैट यू नीड टू यूज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसमें हमें मिलेगा एस ए एस यू आर एल। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी द यूज ऑफ एस ए एस यू आर एल, क्या काम होता है एस ए एस यू आर एल का? SAS वो सर सिग्नेचर एक्सेस, वो सॉरी सिग्नेचर SAS टोकन जो होता है जिस पर टाइम लगा होता है कि इतने टाइम तक ही होता है वो यूआरएल, वही SAS टोकन ना, सिग्नेचर एक्सेस सर्विस ऐसा कुछ शायद, विच करेक्ट, हैज अ टाइम टू इट। ठीक है। यहाँ पे हम कंटेनर पे आ गए, स्टोरेज अकाउंट पे आ गए, क्योंकि एसएएस जो है स्टोरेज अकाउंट का पार्ट है। शेयर्ड शेयर एक्सेस एक्सेस सिग्नेचर, सिग्नेचर, राइट, इस सर्विस को करो चेक मार्क, ऑब्जेक्ट सर्विस कंटेनर, और आपने करना है यहाँ पे जनरेट एसएएस यूआरएल। जनरेट एसएएस यूआरएल पे जाने के बाद मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, कनेक्शन स्ट्रिंग है, आपको कॉपी करना है एसएएस टोकन। ये जो टोकन दिखाई पड़ रहा है, इस टोकन को आप कर दीजिए कॉपी, बहुत ही बेसिक सा फंडा है। कॉपी इट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करके कहाँ पे रखेंगे आप? डेस्कटॉप पे ऑन प्रमाइसेस के। दोनों इंफॉर्मेशन हमने कर ली कॉपी, ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप या लास्ट स्टेप आप बोल सकते हैं, आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो टूल नेम है एज्योर एजी कॉपी। यूआरएल ओपन करते हैं, टाइप करते हैं डाउनलोड एज्योर एजी कॉपी। कोशिश करिए कि माइक्रोसॉफ्ट साइट से ही आप डाउनलोड करो। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, 32 बिट है, 64 बिट है, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो आई एम यूजिंग 64 बिट ओएस, तो डाउनलोड कर लेते हैं हम 64 बिट का। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंस्टॉल इट। जो हमने डाउनलोड किया उसको हम फटाफट कर लेते हैं इंस्टॉल। इज इट फाइन? यस सर। छोटा सा टूल है, एक बार एक सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। और व्हाट वी नीड टू डू, डाउनलोड करने के बाद वी नीड टू ओपन द सीएमटी। अभी आप एक चीज और वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। सी, इन आवर कंटेनर वी डोंट हैव एनी डेटा। अभी हमने इस कंटेनर के अंदर कोई सा भी डेटा, सोर्स के अंदर कोई सा भी डेटा अवेलेबल डेटा नहीं डाला है, राइट? राइट सर। सो वन मोर थिंग वी नीड टू परफॉर्म, जो हमने अभी डाउनलोड किया था, एजी कॉपी। यू नीड टू कॉपी द सेटअप, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको पहले।
what to put it into that shop. एज कॉपी फोर कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिए। एज कॉपी फोर स्टॉक के रखा था हमने, ये जी कॉपी फोर, और ये जो सेटअप है ना, इस सेटअप को आपको करना है कॉपी, ओपन सी ड्राइव, ओपन विंडोज, ओपन सिस्टम 32, यहां पे क्लिक किया और ए जी कॉपी को कर देना है यहीं पे पेस्ट। I have already installed it, not an issue, replace कर देते हैं इसको। Done, ये हमने ये जो setup है इसको हमने download करके रख लिया। Now, अब जो भी folder या file आप copy paste करना चाहते हैं, means command के जरिए cloud पे ले जाना चाहते हैं, वो आप किसी एक, हाँ जी, हम easy copy का जैसे वो आपने download किया, हम उसमें से सीधा exe को इधर मूव नहीं कर सकते थे? हाँ, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लोकेशन डिसाइड करना, कोई भी लोकेशन में इसको डालना है ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। क्या है आपके में, सॉरी मैं समझा, क्या है? अरे यार, विनरार। अच्छा, विनरार है, ओके, राइट, तो वो एक्सट्रैक्ट करके मैनुअल करना पड़ा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन फोल्डर, यहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस पे एक फोल्डर बना लो किसी भी ड्राइव पे, पर्सनल डेटा में डेटा बना रहे, फाइल बना लेते हैं, न्यू विद नेम ऑफ एजी कॉपी, ये हमारा फोल्डर हो गया, ठीक है, और एक दो फाइलें बना लेते हैं टेक्स्ट की, टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री। तीन फाइलें हमने यहाँ पे रेडी कर ली, और आप देखिए ये इसका पाथ है, पाथ हमारा कहाँ पे है, एफ कोलन एजी कॉपी, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने ऑन प्रमाइसेस डेटा को मूव करना चाहते हैं, इसको भी कर लेते हैं कॉपी एंड पुट इट इनटू द नोटपैड, ये हमने इसको भी नोटपैड पे एस्टैब्लिश कर दिया। तो अपने पास ये हो गया डिटेल्स कंटेनर की, जिसमें हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये हो गया अपने पास किसकी इंफॉर्मेशन, सोर्स की, और ये अपने पास हो गया सोर्स की लोकेशन ऑफ स्टोरेज, जहाँ यहाँ से सोर्स अपना एफ एजी कॉपी है और वो स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस टोकन है और वो डेस्टिनेशन का वो है, सबसे पहला वाला डेस्टिनेशन का, ओके, एग्जैक्टली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, कोई क्वेश्चन। चलिए, मीनवाइल हम ओपन कर लेते हैं सीएमडी, और सीएमडी में आपको एक एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी कमांड एजी कॉपी डॉट ईएक्सई, ठीक है, स्पेस कॉपी, और आपको कोलन लगाना पड़ेगा, दिस वन इज द कोलन, सर इस चीज को उसमें लिखा ना नोट्स में, क्योंकि मेरे को ना मेरे को एक डेफिनेटली ये चीज याद है, सॉरी क्या कह रहे हैं आप,
ये इसको नोट में लिख देंगे ताकि याद रहे इसे स्मरण करने। ठीक है ठीक है ठीक है। इस कमांड की बात कर रहे हो राइट? ना सर इसे की कमांड। डन। सो कॉपी द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेटा लोकेशन, दिस इज आवर लोकेशन ऑफ डेटा, कॉपी करेंगे और इस कोलन के अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट नहीं काम कर रहा है। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद सेम कोलन बंद, यहाँ पे हम कोलन लगा देंगे एंड अगेन नीड टू प्रोवाइड द स्पेस और आपको सोर्स डेस्टिनेशन लोकेशन देनी है जहाँ पे आप डेटा रखना चाहते हैं। तो जो स्पेस जो जो लोकेशन है वो लोकेशन आपको क्या देनी है? वाले जो डेटा की यू आर को प्रोवाइड करनी है। चलिए देखें अच्छी लग रही है। तो वी जस्ट नीड टू कॉपी द एंटायर इंफॉर्मेशन। Yes, sir, I can hear you. Okay. ये जो SAS टोकन है ना, इस SAS टोकन को यहाँ से कर दो कट और जो सोर्स है ना, इस सोर्स के साथ हमें इसको अटैच करना पड़ेगा। Is it okay? Sir. Control P. अभी अपने पास कंप्लीट कमांड हो गई है। वी जस्ट नीड टू कॉपी द कमांड एंड पेस्ट ऑन यूआरएल, सॉरी सीएमडी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू चेक इट। इंटर प्रेस करते हैं। Not recognized. Okay, no problem. Minus minus recursive. हाँ सर, कमांड में कहीं पे मिस्टेक हुई है, गिव मी अ मिनट। कोलन या सेमी कोलन? अच्छा, यहाँ पे कोलन नहीं लगाया हमने। जहाँ से कमांड स्टार्ट हुई है ना, कमांड तो हमने ब्रेकेट तो बंद कर दिया बट ब्रेकेट क्लोज नहीं किया, सॉरी ब्रेकेट स्टार्टिंग में नहीं लगाया, क्लोज तो कर दिया है। एजी कॉपी के बाद जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको एक कमांड करना है। इस वाले पैनल पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है।
और यहाँ पे हमें एक स्पेस दे देना है। डॉक्यूमेंट my on premises machine I'm unable to open the explorer. Agar can you hear me? Yes, yes, sir. Actually, the issue with my system on premises because ये ना explorer भी नहीं open कर पा रहा है। कोई नहीं सर, तो आप इसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर देना अगर हो पाए आपसे, तो फिर आप मुझे भेज देना। नहीं, रिकॉर्ड पहले से ही मैंने तैयार कर रखा है, तो मैं इसका रिकॉर्ड, बस ये कमांड आपको थोड़ा सा ध्यान से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी बस। हमें एग्जाम में क्या ऐसा बोलेंगे पूरा पीजी कॉपी से ये उठा कर इसको ये पेस्ट करो, क्या हमें ऐसा होता है या क्या क्या होता है? यू नीड टू नो अबाउट द कि कौन सा टूल लगता है, क्या होता है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कमांड कितना आने चाहिए सर हमको इस कॉपी के? कमांड तो हमने कॉपी पेस्ट की है ना, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई कमांड यूज नहीं की है ना। सिर्फ आपने सोर्स डेस्टिनेशन और अकाउंट स्टोरेज का लिंक वो सब चीज ली है इसमें। दैट्स इट बस यही प्रोवाइड किया है। ठीक है सर, आप इसका जो भी है वो ठीक है मैं भेज देता हूँ। और आई थिंक वी कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक रिलेटेड टू द स्टोरेज, यहाँ पे हमने स्टोरेज से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली। फिर भी आप एक बार देख लेना, अगर कुछ बचता है कि छूटा है तो हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज टुमारो विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ओके ठीक है, ठीक है सर। सर 3 PM और 2 PM नोट सूट यू टुमारो? 3 PM कल क्रिकेट है ना, तो वीकेंड में और थोड़ा लेट कर सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को शाम को एक एंगेजमेंट सेरेमनी में जाना है 5 o'clock के आसपास। अगर कल शाम को नहीं कर सकते तो परसों शाम को कर लेंगे। आप मुझे बोलो कि आपको संडे कर लेते हैं। हाँ परसों शाम को आपको क्या टाइम सूट करेगा सर? आप परसों शाम को कोई भी रख लो, 7 बजे रख लो, 6 बजे रख लो, 8 बजे रख लो। ठीक 6 बजे रखते सर परसों। चलो मैं भेजता हूँ ये रिकॉर्डिंग। अब ये वाली और वो इजी कॉपी वाली भेज दो सर, तो मैं कल का दिन पूरा स्टोरेज अकाउंट पर देख लेता हूँ उसको रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने और कोई क्वेरी होता है तो फिलहाल आ सकते। ओके सर, थैंक यू सर।